नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं, भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा। आज हम गोवा में हैं और ये वही गोवा है जहां पर देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा हुई थी कि वो देश के आने वाले चुनाव का नेतृत्व करेंगे। तभी से लोगों ने अपेक्षा रखी थी कि हिंदुत्व का विचार करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा। हिंदुत्व इस देश के हर व्यक्ति के रगों रगों में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये कागज पर या अधिकृत रीत्या कहीं पर भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना कई सालों से की गई है। हिंदू राष्ट्र की कल्पना करने की स्थिति तब पैदा हुई जब इसको नकारा जाने लगा, और ये नकारना जब से शुरू हुआ तब से इसको स्वीकारना या इसका होना, इसको मानने की भी स्थिति शुरू हो गई। डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हाँ, यह हिंदू राष्ट्र है। लोकमान्य तिलक ने कहा, सावरकर ने तो इसके ऊपर इतना काम किया कि इसकी व्याख्या से लेकर तमाम प्रकार की चीजें लोगों के सामने रखी। एक शब्द में अगर कहा जाए तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है राम राज्य। लेकिन इसको भी आज सेक्युलर भारत में विरोध हो रहा है। दुनिया में मुसलमानों के कई देश है, क्रिश्चियन धर्मियों के कई देश है, ज्यूज के कई देश है, बौद्धों की भी देश है, लेकिन हिंदुओं का देश नहीं है। कहा जाता है कि भारत और हिंदू यही सनातन वो धर्म है जिससे दुनिया की संस्कृति की सभ्यता की निर्मिति हुई। कोई भी ऐसा धर्म नहीं जिस पर हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का प्रभाव नहीं। इसके बावजूद भी ऐसे विचारधारा रखने वाले, इसको आत्मसात करने वाले दुनिया के एक बहुत बड़े समुदाय का कोई राष्ट्र नहीं, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए आज हम गोवा से ही इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदू जन जागृति समिति की तरफ से तीसरा अधिवेशन हो रहा है हिंदू राष्ट्र की निर्मिति के लिए, और यह बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। बाकी मीडिया इसको गंभीरता से ले न ले, हमने तय किया है कि इस मुद्दे को हम आपके सामने लेकर आएंगे और हमेशा की तरह बिंदास बोल में आपको बोलने का मौका देंगे। आज हमारे साथ कई दर्शक भी यहाँ पर मौजूद हैं और सनातन संस्था के तरफ से दो पदाधिकारी मौजूद हैं। पिंगड़े दादा जी का मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ बिंदास में। रमेश शिंदे जी है, प्रवक्ता है, आपका भी स्वागत करता हूँ और सारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ। अब हम चर्चा में शुरुआत करेंगे और अगला एक घंटा भारत हिंदू राष्ट्र कब घोषित होगा ये बात करेंगे। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि यह हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषित होना बाकी है। पिंगड़े जी उससे बात, किसी से बात करें। हाँ, हिंदू राष्ट्र की कल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र यह एक धर्माधिष्ठित राजव्यवस्था है जिसमें केवल मनुष्य की नहीं तो प्रत्येक प्राणी मात्र, वनस्पति और पर्यावरण सभी चीजों का विचार किया गया है। यह एक आदर्श समाज व्यवस्था है जिसमें मनुष्य मनुष्य मनुष्यत्व से उठकर एक आदर्श सभी उपासना पंथों को एकत्रित करके एक भाईचारा सदाचारा से वो उसमें बर्ताव कर सके, ऐसे एक आदर्श समाज व्यवस्था को हिंदू राष्ट्र हम कहते हैं। रमेश जी क्या जोड़ेंगे इसमें? इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जिस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के लिए आज इतने सारे बंधु यहाँ पर पूरे देश से विदेश से भी इकट्ठा हुए हैं, तो सबके मन में एक ही भाव है कि हम सब एक है और हम सब अपना हित चाहते हैं, हिंदू धर्म का हित चाहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जो भी चीज़ें चल रही है उनका हित चाहते हैं। जैसे धर्मांतरण हो रहा है या गोहत्या जो आमतौर पर हो रही है, ये जो हिंदू धर्म पर होने वाले आघात है इनको रोक करके हिंदुओं को सुरक्षा, हिंदुओं को सर्वसंपन्नता देने वाला एक आदर्श ऐसे राज्य व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए, यही हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ यहाँ पर श्रोता भी बैठे हुए जो इसी अधिवेशन में आए हैं और इस अधिवेशन में आए इसका मतलब वो हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों पर बात रखेंगे। मैं श्रोताओं को बता दूं कि हमको अब स्थिति पर बात करनी है, क्या ये आज हिंदू राष्ट्र है क्या? डॉक्टर हेडगेवार ने कहा था, सावरकर ने कहा था, आप भी कह रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है, तो क्या आज की स्थिति क्या है? माइक। हाँ, 1947 में देश का जब विभाजन हुआ था वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ था। एक जिन्ना जो छेड़ा था, जो मुस्लिम लोग जो यहाँ पर जो नापाक काफिर हिंदू है उनका साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो पाक भूमि पाकिस्तान बनाया। तो इसलिए बाकी जो हिस्सा है वो हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए होना चाहिए।
लेकिन परिणाम यह है वो जो लोग राजनेता सत्ता हड़प कर लिया उन लोगों के मन में कोई हिंदुत्व का भाव नहीं था, इसलिए हिंदू राष्ट्र होने का नाते भी ये देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। इसलिए इसका मतलब ये उस तेरी है कि अगर इस देश में कभी दो धर्मों के लोग थे और सीधी सीधी बात कहे तो मुसलमानों को अगर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान दे दिया है तो बचे हुए लोगों का बचा हुआ देश हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, ऐसा आपको कहना है। ठीक है, आप इधर। हाँ आज की डेट में भारत हिंदू राष्ट्र तो नहीं रहा है, मैं कश्मीर से हूँ, पिछले 25 साल से कश्मीर से निकाला गया हूँ इस्लामी जिहाद की वजह से, तो मेरा मानना यह है कि आज की डेट में भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन हम सबका प्रयत्न रहेगा तो भारत अवश्य हिंदू राष्ट्र बनेगा और अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज की स्थिति है कि सभी भारतीय लोग जाति जाति में बटे हुए हैं और इसीलिए हम सबको मिलकर, जैसे अमेरिका के सभी लोग अमेरिकन होते हैं, रशिया के रशियन होते हैं, सभी हिंदुओं के, सभी हिंदुस्तान के सभी लोग जब खुद को हिंदू कहने लगेंगे तो ये अवश्य हिंदू राष्ट्र होगा, एक समान नागरिक कानून होगा तो भी एक अवश्य इसका हिंदू राष्ट्र में परिवर्तित होगा। बिल्कुल, लेकिन ये देखा गया है कि महापुरुष कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन स्थिति बताती है लोग परेशान होकर कहते हैं कि नहीं, ये हिंदू राष्ट्र कैसे है। आप सही कह रहे हैं, इसके दो प्रकार के उत्तर है कि महापुरुषों ने इसको हिंदू राष्ट्र कहा गया है, मगर जैसे सूरज होता है और सूरज को ग्रहण लगता है तो सूरज का अस्तित्व तो है मगर ग्रहण लगने की वजह से उसके प्रकाश को हम देख नहीं पाते। इस संदर्भ में यह हिंदू राष्ट्र तो है मगर हिंदू राष्ट्र की अनुभूति हम नहीं ले सकते हैं। इस संदर्भ में अब हिंदू राज व्यवस्था का मुद्दा आता है, तो हिंदू राष्ट्र तो ये ग्रहण लगे हुए सूरज की तरह हमारा देश है, मगर यहाँ की राज व्यवस्था बिल्कुल हिंदू धर्माधिष्ठित नहीं है, यह निधर्मी घोषित किया है और हमारे दृष्टि से धर्म के विरुद्ध एक ही शब्द है अधर्म, धर्म का और कोई तीसरा पर्याय नहीं हो सकता, इसलिए जहां धर्म नहीं वो निधर्मी नहीं तो अधर्मी हो सकता है और उस अधर्म के कारण आज देश की यह विदारक स्थिति आई है, समाज व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अशांतता है और इसलिए हम सबको प्रयत्न करके इसको पुनर्स्थापित करके हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल रमेश जी, इसका मतलब राष्ट्र है लेकिन राज्य नहीं है। जी ये राष्ट्र तो समाज व्यवस्था और लोग उसके अंदर जो हिंदू धर्म के अनुसार प्राणी मात्र है उन सभी के माध्यमों से बनता है और इसीलिए आज जो इस राष्ट्र की संकल्पना हम कर रहे हैं तो इसको, जैसे आपने कहा कि राम राज्य की आवश्यकता है, तो वैसे ही इस राज्य व्यवस्था को पूरी तरह से उसका हिंदूकरण होना चाहिए, उस राज्य व्यवस्था में हिंदुओं के हित के निर्णय होने चाहिए, उस राज्य में जहां पर हिंदू बहुल है, जैसे अभी पहले बताया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तो धर्म के कारण ही बांटे गए हैं, तो यहां पर जो रहने वाले हैं उनको हिंदुत्व का जो सम्मान मिलना चाहिए उसकी अधिक ज्यादा आवश्यकता है। क्या आप मानते हैं? हाँ, आप मित्तल जी कुछ कहना चाहते हैं, आप जरा अलर्ट रहिए। हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सभी बराबर होते थे, राम राज्य में धोबी और राजा बराबर थे। हमारे इस समय के 65 वर्ष के शासनकाल के अंदर में हमने तुष्टीकरण की नीति देखी है। तुष्टीकरण की नीति का कारण जो हिंदू राष्ट्र का एक संकल्प हम मान के चलते थे कि हम सबको बराबरी के व्यवहार में रखेंगे, आज उसका विपरीत हो गया है कि हिंदू राष्ट्र जो सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र है उसके अंदर में हम लोग माइनॉरिटी में आ चुके हैं और तुष्टीकरण की नीतियां, तुष्टीकरण के जितने भी यहाँ पर पिछले सरकारों ने फार्मूले अपनाए और इसको वापस अगर हिंदू राष्ट्र की श्रेणी में लाना है तो सबसे प्रथम तो हमारे को तुष्टीकरण की नीतियों को दूर करना होगा, ऐसा मेरा विचार है। बिल्कुल, तुष्टीकरण इसकी बाधा है, हम कारणों पर भी जाएंगे लेकिन जो स्थिति है उस स्थिति में कुछ जोड़ते हैं। हाँ, भारत हमारी पितृभूमि है, मातृभूमि है, धर्म भूमि है, पूर्ण भूमि है, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हाँ पीछे,
थोड़ा जल्दी जल्दी। देखिए जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो जब एक कठपुतली लाल किले से बोलती है कि यहाँ पर पहला अधिकार हिंदुओं का है मुसलमानों का है, तो अपने आप में एक संकेत जाता है कि हिंदुओं का तो ये राष्ट्र है ही नहीं है। दूसरी बात, जब पोप यहाँ आता और बोलता है कि हम यहाँ पर सोल हार्वेस्ट करने आए हैं और कोई इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात करते हैं तो सारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम चैनल उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जो तो उससे हमें पता लगता है कि किस तरह से जो पगला है। इसका मतलब है कि हिंदू राष्ट्र इसलिए घोषित होना चाहिए कि कोई पगला प्रधानमंत्री फिर आके ये ना कहे कि यहाँ पर हिंदुओं का नहीं अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, आगे। हाँ पीछे। भारत में हिंदुओं के ऊपर 1300 साल तक विदेशियों ने, जिसमें मुसलमान और ब्रिटिशों ने शासन किया है, उसी पूरे काल के अंदर हिंदुत्वों को उन्होंने नष्ट किया है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो विश्व में उच्च स्तर पर थी चंद्रगुप्त मौर्य तक, वो सब खत्म हुई है। और ऐसा लगा है जैसा कि हम हिंदू यहाँ के हैं ही नहीं और केवल मुसलमान, क्रिश्चियन और दूसरे हैं, और उनको हमसे ज्यादा माना जाता है। हालांकि हम उनसे ज्यादा उत्तरदायी तो नहीं, वी आर वेरी मच better than them because we are the ancient Hindus of the world and we have accepted everybody in our country and which is now we are as good as we are the foreigners, that's all। बिल्कुल। चलिए पीछे, एक युवा भाई कुछ कहना चाहते हैं। नमस्ते। हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस देश में हिंदुओं को ही हिंदू कहलाना अपराध माना जा रहा है, हिंदुओं को आतंकवादी ठहराया जा रहा है, हिंदुओं की जो श्रद्धा स्थान है उसके ऊपर आघात किए जा रहे हैं, हिंदुओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होते हुए भी हिंदुओं को यहाँ पे कोई स्थान नहीं है, तो हिंदुओं को पूरे स्थान मिलना चाहिए, हिंदुओं का अधिकार होना चाहिए, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। हाँ, महिलाओं में पीछे जल्दी। नमस्कार, मैं एक अध्यापिका हूं और अपने 25 साल के अनुभव से ये कह सकती हूं कि आज जो शिक्षा की स्थिति है जिसमें हमारे बच्चों को धर्म शिक्षा के नाम पे कोई जानकारी नहीं है, और जब मैं उन्हें पढ़ाने लगती हूं और कुछ प्रार्थना पूछती हूं कि कोई भी हिंदू बच्चा कोई भी अपनी कोई प्रार्थना जानता है, तो उनमें से कोई भी नहीं निकलता, और जब मैं किसी भी क्रिश्चियन बच्चे से पूछती हूं तो 100% बच्चे अपनी प्रार्थनाएं जानते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे बच्चों को धर्म शिक्षा का कोई अधिकार यहां नहीं मिला हुआ अपने शिक्षा से, और जिस तरह का उनका चरित्र आज बन रहा है अपने शास्त्रों को अपनी धर्म शिक्षा को ना जानने के कारण, उससे हमारी और ज्यादा हानि हो रही है। बिल्कुल। इसका एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि भारत में खुद को सेकुलर कहना या हिंदुत्व से दूर लेके जाना, तोड़ना, इसकी अति कहां हो जाती है। पहले जब हम स्कूल में थे तब जब अवकड़ सीखते थे तो ग का मतलब गणपति बताया जाता था, लेकिन जब कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये ग का मतलब गणपति कहने से तो ये क्रिमिनल हो गया, तो ग से गधा चलेगा लेकिन गणपति नहीं चलेगा, तो ग का गधा सिखाया जाएगा तो फिर जो विद्यार्थी उसको पढ़ेगा वो गधा ही बनेगा ना, इससे ज्यादा क्या बन सकता है, तो गधे बनाने की फैक्ट्री चल रही है। हाँ हाँ, इस देश के जो अभी कायदे कानून है, जो रचना है, जो शासन रचना है, जो शिक्षण रचना है, वो सभी की सभी विदेशी पद्धति पे ही चल रही है। जब तक इस देश की राज्य घटना, देश ही विदेशी चला रही थी तो क्या शिक्षण पहले से ही ऐसे ही चल रहा है, जब तक ये नहीं बदलता तब तक इसको हिंदू राष्ट्र कह नहीं सकते, ये तो सिर्फ हिंदू नाम से रह रहे हैं, इतना ही है। बिल्कुल। शायद ये पहली सरकार होगी जिसका मंत्री बनने के लिए अमेरिका या किसी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, नहीं तो अब तक तो कौन सा पोर्टफोलियो किसको दिया जाए ये भी पहले वही से तय होता था। चलिए अब हम स्थिति के साथ साथ क्या कारण है इसकी तरफ भी जाते हैं कि आखिर हिंदू राष्ट्र होते हुए, हिंदू बहुसंख्यक होते हुए भी इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा सका, इसके कारण क्या है, इस पर हम जरा नजर डालते। थोड़ा पीछे भी जाइए। आज मैं दर्शकों को बता दूं कि आज भारत का ही नहीं विदेश के भी कई दर्शक यहां पर प्रत्यक्ष मौजूद हैं। हाँ, खड़े होकर बोलिए। हिंदू राष्ट्र यानी राम राज्य, उस समय लोकतंत्र तो नहीं था परंतु राजा के विरुद्ध लोकमत व्यक्त करने का अधिकार था। तभी एक धोबी ने राजा रामचंद्र जी के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया था।
आज वैसे ही राम राज्य की आवश्यकता है जो हिंदू राष्ट्र में हो सकती है, ये मेरा मानना है। हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र है ये कल्पना नहीं है, क्योंकि अभी भारत में जो मुसलमान है, ईसाई है, वो सब बाय एंसेस्टर्स हिंदू है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है। लेकिन भारत को ये घोषणा इसीलिए, आप तो ऐसे देश में ऐसी बात कह रहे हैं जहां पर देश का पहला प्रधानमंत्री भी खुद को हिंदू बाय एक्सीडेंट कहता है और 65 साल बाद भी ज्यादा स्थिति पूरी व्यवस्था की नहीं बदली है, वो तो भारत का दुर्भाग्य है। लेकिन हमको मानना पड़ेगा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, अगर कोई ना माने तो उसे मजबूर करना है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, वो भी मानना चाहिए, हमें मजबूर करना पड़ेगा। क्या मजबूर करेंगे? चलिए, ये मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, 200 साल पहले ही बताऊंगा। जब से मैकेले आया और गुरुकुल परंपरा जब से बंद हुई, भारत की संस्कृति जो गुरुकुल परंपरा से चल रही थी वो गुरुकुल परंपरा बंद कर दी गई, या अंग्रेजी शिक्षण व्यवस्था यहाँ लागू करी गई, इसके वजह से जो सनातन धर्म था और हिंदू संस्कृति थी ये गुरुकुल परंपरा के न रहने के कारण आज जो पीछे हट वो जो हुई है उसका ये प्रमुख कारण है। तो हमें लगता है कि ये परिणामों में ये है, ये हटाकर फिर से गुरुकुल परंपरा में हमें शुरू करनी चाहिए। बिल्कुल, अब हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने गोवा से दर्शकों के बीच से बिंदास लेकर आए कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, अगर होगा तो कब होगा, यह मुद्दे के साथ हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद है जो यहाँ हिंदू अधिवेशन के लिए दुनिया भर से आए हैं, भारत से नहीं विदेश से भी आए हैं, और ऐसे लोग अपने पक्ष को रख रहे हैं। हमेशा की तरह बिंदास में हम स्थिति, कारण, परिणाम और उपाय इस फॉर्मेट में जा रहे हैं। अभी तक हमने स्थिति क्या है देखा, अब हम कारणों पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि यह हिंदू राष्ट्र होते हुए भी यह हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। नेपाल हिंदू राष्ट्र था। मैं थोड़ी सी इस विषय पर आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आपके 7 दिन के शेड्यूल में नेपाल का भी विषय इसमें रखा गया है। नेपाल हिंदू राष्ट्र था लेकिन वो भी अब सेकुलर गया है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे राष्ट्र सेकुलर की दिशा में जा रहे हैं? नेपाल के जनता की भावना मैं यहां रखना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 2 बार मैं नेपाल में जाके आया हूं, और उनका आरोप है कि भारत में जो कांग्रेस का गवर्नमेंट था और उसकी संचालन करने वाली इटाली से जो आई सोनिया गांधी थी, तो उसने जब देखा कि नेपाल हिंदू राष्ट्र बचा है, तो यूरोप संघ से कुछ क्रिश्चियन देशों से उसने जो पैसा नेपाल में भेजा है, वहाँ की एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टी इनको जो पैसा दिया है, तो गत कुछ वर्षों में, क्योंकि नेपाल के राजकारण पर भारत का बड़ा प्रभाव है, और उनका सीधा कहना है कि हमारे देश की जो हिंदू राष्ट्र से निधर्मी की तरफ जो बदलाव हुआ है, तो उसके लिए एकमात्र कारण है सोनिया गांधी और कांग्रेस सरकार, हिंदू द्वेष्टी कांग्रेस सरकार को वो आरोप करते हैं। बिल्कुल, हाँ, जरा नए नए लोगों को बोलने का मौका दीजिए। अब पीछे, पहला मेरा मानना यह है, जब ये देश का नेतृत्व स्वतंत्र संग्राम में जो गांधी जी के हाथ में इस देश में नेतृत्व गया, वो एक हिजड़ा था, उसी के कारण हम, आप शब्दों का यूज ना करें, हमारे पास हमारा सात्विक का संतोष व्यक्त करने के अच्छे शब्द हैं। ये जो नेतृत्व गांधी जी ने लिया इस देश का, उसके वजह से यहाँ पे जो हिंदुओं का भावना थी उसको दबा दिए गए। पहले जो नेतृत्व था उसका कुछ भी ऐसा असर नहीं था, वो हिंदुओं को यहाँ पे मान्यता दे रहे थे, यानी कि हमारा लाल बाल गंगाधर तिलक की जो नेतृत्व थे, लाल बाल की जब नेतृत्व थी तब सही थे देश में। जब गांधी इस देश का नेतृत्व लिया
तब से यहाँ पे हिंदुओं के दबाने का कोशिश चली, तो इसीलिए आज का हिंदुओं का स्थिति के लिए गांधी बहुत ही कारण है, ये मेरा मानना है। नेतृत्व के बारे में बोलने से हमारे गृह मंत्री बोलते हैं वो राम के वंशज है या नहीं हमें पता नहीं है, हम राम के वंशज है, राम लंके में गया और लंकाधीश को उधर खत्म किया, उसने अयोध्या में नहीं लाया, लेकिन हमारे गृह मंत्री बोलते हैं कि हम इसको पाकिस्तान से इधर लाएंगे, क्यों दाऊद को क्यों लाएंगे उधर खत्म करने के लिए। चलिए हम ज्यादा राजनीतिक विषय पे ना जाए, हमारे पास हिंदू राष्ट्र इस विषय पर बोलने के लिए तमाम तर्क मौजूद है, हम उसी पर बात करेंगे। हाँ, धर्म का मतलब है धारण करने योग्य, जो कि केवल हिंदू समाज में या हिंदू धर्म में ही है। यहाँ पर दूध की नदियाँ बहाने की बात होती है, खून की नदियाँ बहाने की बात नहीं होती है। हमारे महापुरुषों ने कभी भी सीमाओं की लड़ाई नहीं लड़ी है, ये सीमाओं की लड़ाई तो अंग्रेज लोग लेकर आए हैं, यानी कि हम कह सकते हैं डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज्य करो। इसीलिए हमारा पूरा अखंड भारत और यानी कि हम कह सकते हैं पूरा आर्यवर्त हमारा खंडित किया गया, जिससे कि हम एक होकर कभी भी हम हिंदू राष्ट्र की बात कल्पना ना कर सकें, फिर से राम राज की कल्पना ना कर सकें। हमें फिर से वहीं वापस जाना होगा, यानी कि शुद्ध सनातन वैदिक धर्म की ओर, तभी हम अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं, तभी हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। रमेश जी के पास में जाऊंगा, रमेश जी आखिर ऐसा क्यों होता है कि विदेश में तो लोग हिंदुत्व या हिंदू धर्म को धारण करने आते हैं, यहाँ पर भी मैंने लोगों को देखा है, हम जब ऋषिकेश या कई देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं तो देखते हैं कि तमाम वो लोग जो दूसरे धर्म में है वो हिंदू धर्म अपनाते हैं और भारत के छोड़ रहे, ऐसा क्यों? इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो चल रहा है और जो लोभ का प्रलोभन का जो प्रयास किया जाता है, वहां पर जो हिंदू धर्म स्वीकार रहे हैं उन्हें अपने धर्म की निरर्थकता का अनुभव हो चुका है, उन्हें समझ में आया है कि हमारे धर्म के अंदर हमें कुछ अनुभव नहीं होता है, हमारे धर्म के अंदर कोई सार्थकता नहीं है, तो वो परेशान होकर के हिंदू धर्म की तरफ आ रहे हैं। हम किसी को प्रलोभन देकर के, हम किसी को नौकरी देकर के, पैसा देकर के हिंदू धर्म का स्वीकार कीजिए ऐसा कहते ही नहीं है, और उन्हें यहाँ पर आकर के ये कहना पड़ रहा है कि आप हमारे चर्च में आएंगे या आप हमारे धर्म में आएंगे तो हम आपको कुछ देंगे, तो ये प्रलोभन की और वहां पर जो है वो स्वयं स्वीकारता है। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि जूलिया रॉबर्ट्स जो ऑस्कर अवार्ड विनर है, जिसके पास इतनी सारी संपत्ति है, वो सब कुछ छोड़ करके हिंदू धर्म में आ गई और उसने राजस्थान में जाकर के एक साधु पुरुष का गुरु करके स्वीकार किया और कहा कि आज मुझे पता चला कि जीवन में धर्म क्या होता है, आनंद क्या होता है, तो ये जो है ये केवल हिंदू धर्म ही बता सकता है, इसलिए ये बदलाव है। और आज हम ये अधिवेशन के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो मुद्दा आपने एकदम सही उठाया कि यदि इतने सारे विदेश के लोग, आज सनातन संस्था का कार्य लगभग 17 देशों में चल रहा है, तो इतने सारे लोग हिंदू धर्म में आने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इसे छोड़ क्यों रहे हैं, तो इसलिए इस अधिवेशन के माध्यम से ये जागृति करने का प्रयास चालू है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं इसका एक अन्य कारण का विश्लेषण करना चाहूंगा कि धर्म यह बल से अंकित होता है और धर्म को अगर राजाश्रय मिलता है तो धर्म का उत्कर्ष होता है, और हमारे धर्म के भय से अंग्रेज और कांग्रेस ने जब हाथ में सत्ता ली, ये हाथ से वो हाथ में सत्ता दी, तो उन्होंने हिंदुओं के मन में भय निर्माण करना शुरू किया कि आप हिंदू कहोगे तो आप गलत है, और एक न्यूनगंड निर्माण करने का प्रयास किया, पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करेंगे तो आप सुधारवादी है, मतलब मॉडर्न है, इस तरह का उनको मिसगाइड करके उनको ये किया गया, तो अधर्म को राजाश्रय मिला है और राजसत्ता के दबाव में आके हिंदू धर्म से दूर जा रहे हैं, तो ये इसका मूलभूत कारण है ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल, कुछ आपके पास आते हैं। हाँ, इसमें टाइम मत लगाइए। हिंदू का अंदर में हिंदू राष्ट्र के लिए तड़प नहीं है, एक साच है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं है, आरएसएस कभी 1947 के विभाजन के बाद हिंदू राष्ट्र के लिए रास्ता में नहीं उतरा नहीं, और सभी जगह में हिंदुओं का अंदर हिंदू राष्ट्र चाहिए, ऐसे तड़प निर्माण होने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, यही कारण है। क्या ये भी आप आरएसएस के खिलाफ बोल रहे हैं? क्या ये भी एक कारण है कि हिंदुओं में ऐसे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की ज्यादा आदत है? ऐसा नहीं है जी, लेकिन जिस संगठन ने इतने लाखों कार्यकर्ता तैयार किए, आप उस संगठन के खिलाफ बोल रहे हैं? खिलाफ में बोलना नहीं है, लेकिन
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो करना चाहिए। आप कितनी बार सड़क पे उतरे, आप कितने बार सड़क पे उतरे? मैंने हिंदू राष्ट्र आंदोलन के सनातन संस्था में मैंने हिंदू राष्ट्र या हिंदू विषय का जितना अभ्यास किया, शायद ये आप लोग भी सहमत होंगे कि हिंदू लोग हिंदुओं के खिलाफ ही टांग खींचने में ज्यादा रहते आगे। आप मानते हैं कि नहीं इस बात? हाँ आगे सुरेश जी, मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में क्रिश्चियन देश है, दुनिया में मुस्लिम देश है, हिंदू दुनिया में तीन नंबर पर है, तो एक हिंदू राष्ट्र तो होना ही है। हम लोग तर्क के ऊपर तर्क देने जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र क्यों होना चाहिए। मैं ये मेरे सामने ये सवाल है कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, अगर कोई बोलता है तो उसके ऊपर चर्चा हम नहीं, लोग नहीं, नहीं, मुझे ये ताली तो मिला सकती है आपके बयान से, लेकिन अगर हम ये विषय नहीं करेंगे तो जो बहुमत इस देश में इस विषय के लिए तैयार होना चाहिए होगा नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी, क्योंकि आपका पड़ोसी भी शायद आपकी इस बात से सहमत नहीं होगा। मैं आ रहा हूं। आपको आखिर जनमत तैयार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं वही, कितने लोग मानते हैं कि जनमत तैयार करना चाहिए? चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, तर्क देने चाहिए। अगले अगले वहीं पर आ रहा हूँ सुरेश जी, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। वो लोग जो तर्क देते हैं, वो तर्क कुतर्क है, उसका जवाब हमें तर्क से ही देना चाहिए। तो आप भी तर्क से दीजिए। आगे पीछे इस ब्रह्मांड में जितने भी धर्म हैं, केवल हिंदू धर्म एक है जो पंचमहाभूतों को मानता है या उसको देवता मानता है। हम वायु को भी देवता मानते हैं, पवन पुत्र हनुमान को मानते हैं। अभी जितने भी हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, उन्होंने जितने भी पंचमहाभूत है, आज की तारीख में हमारी धरती बेचना शुरू कर दिया है, वायु में प्रदूषण कर दिया है, पानी भी प्रदूषित कर दिया है। तो ये एक व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें ये हर चीज को बेचना चाहते हैं, और आज की तारीख में हमें एक छोटी सी बिस्लरी बॉटल 15 रुपए में मिल रही है। इन्होंने हमारा जल जो है अशुद्ध कर रखा है। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो हम पंचमहाभूतों को मानते हैं, और इसीलिए उनको देवता मानने की वजह से हम उनको पवित्रता को हम संभालेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तर्क एक ऐसा तर्क है, इस तर्क से मैं पूरी तरह सहमत हूं, और ऐसे तर्कों को फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू का मतलब केवल पूजा पद्धति नहीं है, हिंदू का मतलब केवल टीका लगाना नहीं है, हिंदू का मतलब केवल मंदिर जाना नहीं है। तो भगवान की तरफ पहुंचने के कितने भी रास्ते हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, ऐसे मानने वाले लोग हिंदू है, लेकिन उन्होंने एक ऐसी जीवन शैली दुनिया को दी है कि दुनिया और ये वसुंधरा, ये विश्व उसके आधार पर बच सकता है। और आज मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग के इस प्रचार के युग में अगर 100% ग्लोबल वार्मिंग का सोल्यूशन देने वाली दुनिया में किसी धर्म आधारित जीवन शैली है तो हिंदू धर्म की जीवन शैली, क्योंकि यही वो जीवन शैली है जहां पर सुबह उठने से हम कहते हैं, जमीन पर पैर रखने से पहले हम मंत्रों का उच्चार कहते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्वये, जिस विष्णु की पत्नी इस धरती पर पैर रखने के पहले जिस धर्म के लोग उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जब वो नहाने जाते हैं तो सारी नदियों को याद करते उसका मंत्र वहां पर लेते हैं, उसके बाद उनकी दिन की शुरुआत मुख में पानी लेने के पहले ही भगवान के पूजा से अर्थात पंचमहाभूतों के पूजा से होती है। उस धर्म को प्रकृति को बचाने के लिए सिखाने आने के लिए पर्यावरण बचाव की मुहिम विदेश से यहां पर लानी पड़ती है, और सरकार विदेशी कंपनियों को उसके लिए फंड देती है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? इस देश का साधु संत है, इस देश की हमारी परंपरा है जिसने पर्यावरण हमें सिखाया, इसलिए कई ऋषि मुनियों ने, कई साधु संतों ने पेड़ों को और सृष्टि के हर एक जीवात्मा को किसी न किसी भगवान के साथ जोड़ा है। हिंदू धर्म दुनिया को पहचानने के लिए, समझाने के लिए हमें ऐसे तर्कों का आधार लेना चाहिए जिसमें पंचमहाभूत और पर्यावरण से जुड़े ये मुद्दा हो सकता है। मैं आपका आभारी हूँ, आपने बड़ी ही अच्छी दिशा आज के इस कार्यक्रम को दी है। हम इसका एक जो कारण है, कारणों में से जो आपने पूछा, तो छात्रवृत्ति भूल जाना
अहिंसा के अहिंसा मानने के अतिरिक्त से या पुण्य पाप लगेगा इस भीति से जो क्षत्रिय धर्म को छोड़ दिया है हम हिंदुओं ने, तो एक बहुत बड़ा कारण है ऐसे मैं मानता हूँ। क्योंकि देखिए, शकों को हमने हराया, कुषाणों को पराजित किया, अलेक्जेंडर यहाँ यहीं पे आके मरा, इस्लाम भी यहाँ आया तो सब देशों की तुलना में लेट आया, बाद में आया, तो वो जो क्षात्र धर्म यहाँ पे था वो हम भुला चुके हैं। और मेरा ये भी मानना है कि ये जो अधिवेशन है वो क्षत्र वो ही क्षात्र धर्म को फिर उजागर करने का ये गांडीव का टणत्कार है जिससे फिर ये युद्ध आरंभ हो जाएगा। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र, और इसलिए हमने भी जब चैनल का नाम देने की बारी आई तो सुदर्शन चक्र नाम दिया। शस्त्र अनिवार्य है, स्वरूप बदल सकता है, लेकिन उसके तेज की आवश्यकता है। भगवत गीता का विस्मरण होना, चार पुरुषार्थों में से अर्थ और काम को ज्यादा महत्व देना, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास को भूल जाना और राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना न रखना, इसके कारण भारत आज हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये मेरा मानना है। हाँ, अब हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसका एक बड़ा कारण ऐसे लगता है कि जैसे मुस्लिम देश है या मुस्लिम लोग हैं, उनको कुरान की सभी जगह पे मदरसों में शिक्षा दी जाती है, क्रिश्चियनों को चर्च में उनके धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हिंदुओं को कहाँ पे भी धर्म शिक्षा नहीं मिलती, ये सबसे बड़ा कारण लगता है। तो ये हम लोग अगर धर्म शिक्षा तो छोड़िए, इस देश का दुर्भाग्य है कि कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश में सूर्य नमस्कार करने के लिए सरकार ने कहा तो लोगों ने कहा कि यह हिंदू धर्म हम पर थोपा जा रहा है। इतनी मूर्खता जिस देश में होती है वहां धर्म सिखाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इसकी आवश्यकता है, यह जीवन शैली का हिस्सा है। आप लोगों को एक बात और मैं बता दूं, अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने जो पार्क है वहां पर कई लोग रोज आके योगा करते थे, और एक दिन शायद राष्ट्रपति या उनसे जुड़े हुए किसी लोगों के जाने के कारण वो खबरों में आ गया, तो वहां पर भी लोगों ने ये कहा कि राष्ट्रपति के प्रांगण में योगा होना मतलब अमेरिका का कम्युनल होना शुरू हो गया है, उसको बंद करो। तो ये यहाँ का जो रोग है वो वहां पर भी गया है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, उनका अभिनंदन करना चाहिए। ये हमारे राष्ट्रपति के यहाँ पर होता तो वहां पर बोर्ड लगा दिया जाता, केवल नहीं होता, बोर लगता, यहां पर योगा करना मना है। हाँ, जब तक राजनेता वोट बैंक की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, इमाम बुखारी जैसे भारत माता को डायन कहने वाले फतवा जारी करते हैं और उनको थोक वोट बैंक मिलता है, यह जब तक बंद नहीं होगा, ऐसे लोगों का मताधिकार का प्रयोग ही खत्म किया जाएगा अधिकार, तब तक यह हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो सकता। इसलिए इस देश में एक भी आरोप पत्र दाखिल हुए बगैर साध्वी प्रज्ञा जेल में है, और 57 FIR और नॉन अवेलेबल वारंट होने के बावजूद इमाम बुखारी बाहर है। हाँ, हिंदुओं में अत्यंत सहिष्णुता के कारण आज जो स्थिति निर्माण हुई है उसके कारण हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बोल सकते। एक हिंदू, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, अच्छा मुद्दा है। हाँ, एक हिंदू प्रतिदिन अपने देवी देवताओं का पूजन करता है, पर वो ये भूल जाता है कि उस देवी का एक हाथ तो आशीर्वाद का है पर अन्य तीन हाथों में शस्त्र है। हम शस्त्र की उपासना भूल गए, हम अपने आघातों पर, हिंदुओं पर होने वाले आघातों को भूल गए, इसके कारण आज जो स्थिति निर्माण हुई है हम इसको हिंदू बहुल देश तो कह सकते हैं पर हिंदू राष्ट्र नहीं कह सकते। ये दुखद है लेकिन सच है। बगल में सन 1947 में आजादी के बाद इस भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू वास्तव में मतलब मुस्लिम खानदान से संबंध रखते थे। नहीं, इसकी ये मानते हैं, पूरी जानकारी के कारण इसको हम ऑन एयर नहीं कर सकते। हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि आगे कारण हाँ। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। और ये गुरु शिष्य परंपरा पर ही इन्होंने मैकेली जब से आया या उसके पहले से। चलिए, ये मुद्दा आ चुका है। इधर महाराज जी के पास आइए। महाराज जी, सवेरे आपका भाषण बड़ा अच्छा लगा। हाँ, खड़े हुए आप, उस मैं जरा दर्शकों को बता दूं, आप इनको कैमरे पे लीजिए। पहले आप समर्थ रामदास जी की परंपरा से है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को तैयार किया था। सुनिए, जंगल का राजा शेर होता है, जंगल का राजा शेर होता है भाइयों, उसी तरह एक बार संकल्प करें, आप जैसा दिवाली गणेशोत्सव जैसा त्योहार आयोजित करते हैं उसी तरह ये देश में हिंदुस्तान के और विदेश के सभी लोग जो हिंदू संस्कृति मानते हैं
आप सभी ने सुबह से मैं सुनता हूं कि 2 बरस 5 बरस 10 बरस लग जाएगा, लेकिन ये सुनो, ये हिंदू राष्ट्र कहने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप सभी हिंदू सिर्फ मकान से आगे हो और रास्ते पे खड़ा रहो, जिस समय पर हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित करते तो प्रेसिडेंट और पीएम गद्दी पे नहीं बैठ जाएंगे। चलिए, मुझे लगता है आपके अंदर वो जो जोश है वो जोश हिंदू में नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ नया साल, अंग्रेजी नया साल तो उतने धूमधड़ाके से मनाया जाता है, उसके 1% भी भारतीय नववर्ष नहीं मनाया जाता है। उस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए लोगों को सड़क पर खड़ा करने की बात आप करते हैं, अच्छी है, लेकिन वास्तव या प्रैक्टिकल नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? हिंदू संगठन आप चलाते हैं, ये बात क्यों नहीं दिखती कि आखिर इस देश में ऐसा क्यों होता है कि नया साल तो बड़ा मनाया जाता है लेकिन हिंदू नववर्ष नहीं मनाया जाता? गत 50 वर्षों में हिंदुओं की हुई गलतियों का यह एक अच्छा उदाहरण है कि सरकार ने तो हमें धर्म शिक्षा के लिए परमिशन नहीं दी, ठीक है, मगर जो हिंदू थे उन्होंने अपने बच्चों पे जो संस्कार करना चाहिए था, ये गत पीढ़ी की एक बड़ी गंभीर गलती है ऐसे हमें लगता है, और इस गलती को हम भुगत रहे, मगर इस गलती को हमें आगे नहीं बढ़ाना। हम आज से या जिस क्षण से हम इस हिंदुत्व के कार्य में आए हैं तो हम व्यक्ति, परिवार और समाज को धर्म शिक्षा दे के अब ये जो प्रवाह पाश्चात्य संस्कृति की तरफ गया है उसको उल्टा लाकर हम उसको भारतीय संस्कृति में ढाल रहे हैं, और हमें उसमें यश भी मिल रहा है। क्या रमेश जी आपको लगता है कितना यश मिल रहा है, प्रतिशत में बताइए। जहां तक हिंदुओं तक पहुंचने की बात है तो मुझे ऐसे लगता है कि हिंदुओं का आजकल एकमात्र ही मीडिया है और वो सुदर्शन न्यूज है, तो सुदर्शन न्यूज के माध्यम से तो लोगों तक ये संस्कृति पहुंच रही है, और ऐसे आशा करते हैं कि सरकार यदि इसको, इस मुद्दे को उठा ले तो निश्चित रूप से ये बहुत अधिक मात्रा में पहुंच सकता है। संगठन के स्तर पर हर एक संगठन आज ये प्रयास कर रहा है कि हिंदुत्व का जो आचरण है वो अपने जीवन में लाया जाए, और जहां पर हम जाते हैं वहां पर हमने ये अनुभव किया है कि जिस धर्म सभा में जाते हैं, जिस कार्यक्रम में जाते हैं, वहां पर लगभग 90% लोग तो इसका आचरण करना शुरुआत करते ही है, 10% जो है जो आजू बाजू के लोगों के प्रभाव में रहते हैं, तो उनमें जागृति करना आज बहुत आवश्यक हो चुका है। बिल्कुल, उनमें जागृति करना आवश्यक है, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी शायद इससे दूर होती दिख रही है। मैं देखता हूं कि जब हम विदेश में जाते हैं तो वहां के जो बच्चे हैं, भारतीय परिवारों में जो बच्चे हैं, उनमें हमारा धर्म या उसकी परंपराएं, उसकी मान्यताएं ज्यादा है, लेकिन यहाँ के बच्चों में नहीं है, क्यों? इसका जैसे पहले एक कारण बताया गया कि यहाँ पर बचपन से ही जो धर्म का जो अनुभव उनको होना चाहिए तो वो कराया नहीं जाता है। हिंदू जो है, हिंदू परिवार में जो आज विचार किया जाता है कि मेरा बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या आज किसी परिवार में ये विचार नहीं किया जाता है कि मेरा बच्चा स्वामी विवेकानंद बनेगा, मेरा बच्चा विदेश में जाकर के धर्म की पताका को लहराएगा, या इस्कॉन के जैसे स्वामी जी है वैसे उनका कार्य होगा। तो इस प्रकार से जो प्रयास है वो नहीं किए जाते हैं। बिल्कुल, चलिए हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके सामने, अब हम परिणाम क्या हुआ और कारण देख चुके, परिणाम क्या हुआ और उपाय क्या होना चाहिए, इस दिशा में जाएंगे। एक और दर्शक उनसे बात करते हैं। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है। सबसे पहले हमारे देश को इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि बोल दिया जाता है कि आपके देश में ना भी विभिन्नताएं हैं, जैसे इस्लामी लोग रहते हैं, क्रिश्चियन लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, जैन लोग रहते हैं, अलग अलग रहते हैं,
इसलिए आपको सेकुलर बन के ही रहना पड़ेगा। मेन मुद्दा यह होता है ना, तो अमेरिका में यहूदी भी रहते हैं इससे 1% ज्यादा, तो उसमें जैसे कि 33% इंजीनियर और डॉक्टर हमारे अमेरिका में अवेलेबल हैं, तो उसको क्यों ना सेकुलर देश बनाया जाए, पहली बात। ठीक है, और ऐसे जैसे कि बता रहे हैं सभी लेकिन फिर भी वहां का राष्ट्रपति शपथ लेते समय बाइबल को सामने रख के शपथ लेता है, बाइबल को सामने लेकर रख के शपथ लेता है। उसी के तौर पर पंजाब गो रक्षा दल के सतीश जी भी आए हैं। सतीश जी, समय की मांग है हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अत्याचार इतना बढ़ चुका है, चाहे गाय के ऊपर हो चाहे साधु संतों के ऊपर हो। आज अवैसी जैसे लोग हमारे देश को और हमारे धर्म के ऊपर गालियां देकर सरेआम वो चैलेंज कर रहे हैं। आज हिंदू संगठित हो चुका है, जिसका परिणाम आप देख चुके हैं, एक उंगली उठाने से देश की सरकार बदल गई। अगर हिंदुओं ने तलवार उठाई, मैं समझता हूं उसी दिन हिंदू राष्ट्र घोषित हो। चौहान साहब नमस्कार, मेरा नाम अरविंद शर्मा है, बैंगलोर से आया हूँ और टूटी फूटी हिंदी के लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा। रामराज्य जो है वो अगर हिंदू राष्ट्र का परिणाम है तो ये अमृत तो हर आदमी पीना चाहेगा, हर प्राणी पीना चाहेगा। तो जो अल्पसंख्यक धर्म को मानने वाले हैं उनके मन से भी अगर इसी एजुकेशन के प्रयास से ये डर निकल गया तो किसी और राष्ट्र को, किसी और दूसरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम हिंदू राष्ट्र के परिणाम की तरफ, इन्होंने एक अच्छा ग्लोबल वर्जन दिया है। आप एक हिंदू संगठन चलाते हैं, हिंदू राष्ट्र मांगने का मतलब लोगों को नुकसान नहीं फायदा लगना चाहिए। मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र आने का मतलब डर नहीं बल्कि एक सुकून महसूस होना चाहिए। ये आपका जो एंगल है ये एक ग्लोबल एंगल हो सकता है जो कि लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण से सामने ला सकता है, कैसे कहेंगे? प्रत्यक्ष में हिंदू जन जागृति समिति या सनातन संस्था, इनके माध्यम से अभी जैसे बताया कि 17 देशों में सनातन संस्था का कार्य चल रहा है, उससे ज्यादा बढ़कर मैं बताना चाहता हूं कि 196 देशों में अनेक धर्मों के लोग वेबसाइट के माध्यम से हिंदू धर्म की महानता को समझकर आचरण कर धर्म की अनुभूति लेकर हमारे अनुनय कर रहे हैं प्रत्यक्ष में। लेकिन भारत में केवल जो भारत में इसलिए है कि भारत में फोड़ो और तोड़ो यह नीति के अंतर्गत अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के नाते से, वोट बैंक के नाते से अगर धर्मीय धर्मीय लोगों में अगर झगड़ा रहे तो इनकी रोटी सेक के जा सकती है। इसलिए यह जो चाहते हैं कि उनको एजुकेट करके उनको विश्वास बनाए, यह राज व्यवस्था जब तक है तब तक यह संभव नहीं, और इसलिए हमें कुछ अलग प्रयास करके, जैसे अभी बताया कि उंगली उठाया तो सत्ता परिवर्तन हुआ, तो इस तरह से कुछ एक विशेष कार्यक्रम करके हमको साध्य करना पड़ेगा। ये बात आज जो विदेश में हम देख रहे हैं, सीरिया मुस्लिम देश है, इजिप्ट मुस्लिम देश है, लीबिया मुस्लिम देश है, इन सारे देशों की यदि परिस्थिति देखेंगे तो मुझे ऐसे लगता है कि इन सभी मुसलमानों को हिंदू बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में जो शांति है, हिंदू धर्म के अंदर जो उनको परिणाम मिल रहा है या उनको जो आनंद मिल रहा है, ऐसे बात तो कोई है ही नहीं। यहां तक जाकर के मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मौलाना जी है लखनऊ के, तो उन्होंने जो सांसद थे हिंदुस्तान के, तो उन्होंने ये कहा था, परवेज मुशर्रफ जब आए थे हिंदुस्तान में तब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदुस्तान के मुसलमान सुरक्षित है, तो इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं का आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप इतने बहुल होते हुए भी हम सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र स्थापन होने से मुसलमानों को डर पैदा होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मित्तल जी, देश की आजादी के बाद अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता तो हमारा क्या परिणाम होता, और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो आज हम किस स्थिति में है? अगर हिंदू राष्ट्र घोषित होता तो ना यह भुखमरी होती, ना यह बेकारी होती, ना ही धरती पर गाय का खून बहता, ना अबला की रेप होता। ये हमारे हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत हैं,
लेकिन हुआ क्या है, पिछले 65 वर्षों के अंदर में हम लोगों ने भुखमरी देखी है, अकाली देखी है, कोई उस पर तुष्टिकरण की नीति में भी वो जातियां को आगे नहीं बढ़ी हैं। उस सरकार ने उन जातियों को भी सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया है। लेकिन आज सबसे ज्यादा अज्ञानता किस कौम में है ये सब जानते हैं। आज सबसे ज्यादा बुरका परस्ती किस कौम में है सब जानते हैं। आज अगर यही कौम, यही हमारा देश हिंदू राष्ट्र होता तो आज हम विश्व के नेता होते। हमारे विवेकानंद जी जब गए अमेरिका के अंदर में तो उन्होंने जब संबोधन किया, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज भी उस बात को अमेरिका याद करता है। हम वैसे विवेकानंद हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम ऐसे विवेकानंदों को यहां से भेज सकते थे। हाँ, हिंदू राष्ट्र होगा तो माउली ज्ञानेश्वर जी का जो विश्व धर्म का संकल्पना है वो साकार होगी। उसमें उन्होंने कहा है कि जय खड़ांची वेंकटी सांडो, जया सत्कर्मी गति वाड़ो, तया भूता परस्पर जोड़ो मैत्र जीवन से। बिल्कुल, इन्होंने भी जो भी मांगा है वो सबको मिलना चाहिए। ये भाव जहाँ के संत रखते हैं, जहाँ के सांसों में ये बढ़ता है, हर सांस में संतों के ही नहीं बल्कि समाज के ये बात बजती है कि विश्व दैव कुटुंबकम, दुनिया हमारे लिए विश्व है, परिवार है, लेकिन विदेशी सोच है कि उनके लिए विश्व बाजार है। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः का सिद्धांत हमारे हिंदू धर्म में प्रतिपादित किया गया है। और जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो यह केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक, राजनैतिक और जीवन जीने की व्यवस्था है। अगर पूरे विश्व को शांति चाहिए तो हिंदू राष्ट्र को स्थापित होना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र में ही सभी प्राणियों मात्र की ही नहीं समस्त भूतों की सुविधा, सुरक्षा और संवर्धन की व्यवस्था है। केवल हिंदू मात्र ऐसा है जिसमें सभी उपासनाओं का समभाव है। बिल्कुल, हम परिणामों पर बात करें, पीछे चलते हैं, परिणाम। से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि विकल्प और परिणाम, तो विकल्प जब हम ढूंढते हैं तो शुरुआत में गलती हम ही खुद करते हैं। हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र भी चाहते हैं, लेकिन जब तक आने वाली पीढ़ी, जो आज छोटे बच्चे हैं, जो भविष्य का, भारत का भविष्य, कॉन्वेंट शिक्षा, इसका अर्थ बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। कॉन्वेंट से सभी भली भांति हैं, कॉन्वेंट का अर्थ जो होता है अनाथालय होता है। कॉन्वेंट शिक्षा को दूर करना पड़ेगा, गुरुकुल शिक्षा को फिर से आरंभ करना पड़ेगा। आज हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे घर भगत सिंह पैदा हो। भगत सिंह की जरूरत सभी को, लेकिन आगे हाँ, है कि भगत सिंह हमारा देश हिंदू राष्ट्र न होने के जो परिणाम स्वरूप हम देख रहे हैं। अभी हमारी जो युवा पीढ़ी है, दुनिया के सभी देशों में से युवा सबसे ज्यादा संख्या में भारत में है। ऐसा होते हुए भी अभी हमारे यहाँ के युवाओं की अगर स्थिति हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा उनके सामने क्या है। हाँ, उनके सामने इंस्टेंट टेक्नोलॉजीज है, लेकिन उन टेक्नोलॉजीज के उदाहरणार्थ इंटरनेट के सामने से उनको क्या मिलना, मतलब क्या है कि उनको धर्म शिक्षा नहीं है। धर्म शिक्षा न होने के कारण हम जितने भी आगे बढ़ रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी उतनी ही बिगड़ती जा रही है। बिल्कुल, यह हमारा और एक सबसे बड़ा परिणाम होगा। हिंदू राष्ट्र घोषित अगर नहीं हो पाया तो दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाने वाली एक ऐसी कौम, एक ऐसी संस्कृति, एक ऐसी सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अगर वो नष्ट होती है तो दुनिया का नष्ट होना तय है। हम उपाय की तरफ जा रहे हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में कह चुके हैं ये भारत में जो शैली है वो विश्व में सब आचरण करने का योग्यता है। अभी ये भारत में हिंदू राष्ट्र बनना है, वो बनने के बाद वो इम्प्लीमेंट करने से हिंदुस्तान में सुख शांति होने के बाद भी विश्व में सुख शांति रहेगा और हिंदुस्तान में जो बिल्कुल जो उपाय रमेश जी अपने उपाय के दृष्टिकोण से पूछा है, लेकिन यहाँ पर अधिवेशन के दृष्टिकोण से एक महत्व का संदेश जो है वो जाना चाहिए, इसलिए ये वाक्य बताता हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए जो प्रयास चल रहे हैं, इस प्रयासों में
यहाँ पर एक प्रयास ये चल रहा है जो कैथोलिक एसोसिएशन है गोवा का, तो उन्होंने ये मांग की है कि श्रीराम सेना के जो अध्यक्ष है और पूरे हिंदुस्तान में प्रचार है उनका, प्रमोद मुतालिक जी, उनको गोवा में आने के लिए बैन लगा दिया जाए। तो मेरा ये प्रश्न है यहाँ पर कि इसी गोवा में जहां पर तरुण तेजपाल ने एक कॉन्फ्रेंस किया जो खुद को इतना बड़ा सेक्युलर कहता है, उसी कॉन्फ्रेंस के कॉन्क्लेव के दरमियान उसको बलात्कार के आरोप में बंद किया गया है, उस कॉन्फ्रेंस में यहां पर तालिबान का प्रवक्ता आता है, तालिबान का प्रवक्ता आकर के वो यहां पर ह्यूमैनिटी के ऊपर, मानवता के ऊपर विषय रख करके चला जाता है, तो क्या प्रमोद मुतालिक जी तालिबान के प्रवक्ता से भी बुरे है? तो ये जो बात है इसको यदि हमें बदलना है तो आज ये जो मीडिया का रुख जो पूरी तरह से बदल चुका है, हाँ, तो इस मीडिया के रुख को हिंदुत्व के सम्मुख लेकर के जाना होगा। और आप जैसे प्रयास कर रहे हैं, ऐसे प्रयास करने वालों की आवश्यकता अधिक है, और इसी के कारण, इसी के माध्यम से मुझे लगता है कि हिंदू राष्ट्र स्थापन होना आसान हो जाएगा। उपाय इस पर एक ही महत्वपूर्ण उपाय है और वो है हिंदू का संगठन और हिंदू की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर अभी होने वाली क्रियाशीलता। क्रियाशील हिंदू इस देश में हिंदू राष्ट्र स्थापित करेगा ऐसा विश्वास है, और 2023 और 2025 की इस कालावधि में इस देश को हिंदू राष्ट्र हम घोषित करेंगे, ऐसे आज मैं इस सुदर्शन चैनल के कार्यक्रम से मैं घोषित करना चाहता हूं। और इसीलिए शायद स्वामी विवेकानंद, जिनका उल्लेख कई बार आज यहाँ पर आया, उन्होंने कहा था कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता का उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। सज्जनों की निष्क्रियता अगर दूर हो, सज्जन शक्ति अगर क्रियाशील हो, और सज्जन शक्ति की क्रियाशीलता लोगों के सामने हिंदू और हिंदुत्व धर्म की सही परिभाषा अपने खुद के जीवन में अंगीकार के लोगों के सामने अगर रखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी मांग करनी नहीं पड़ेगी, बल्कि दूसरे धर्म के लोग खुद कहेंगे कि हमें हिंदू धर्म में आना है, तब ये हिंदू देश राष्ट्र ही नहीं विश्व हिंदू हो जाएगा, और ऐसा होने का दिन जल्दी पास आए इस अपेक्षा हम मानव जाति के कल्याण के लिए करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।